सो दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब ये देखा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जो हमारे सियानोफाइटाज होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे जो भी सियानोफाइटा हैं, दे कैन सर्वाइव, सियानोफाइटा कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकते हैं किसमें, लो ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन की जो, अगर जो मात्रा होती है, अगर आप इनको कम भी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर लेते हैं। वो कैसे, बाय CCM, ठीक है। CCM क्या है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म, अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको अच्छे से याद रखना है कि क्यों वो कर पाते हैं लो ऑक्सीजन में भी जो सर्वाइव, क्योंकि उनके पास बाय CCM इस मेथड से, जो हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से वो कर पाते हैं। होता क्या है इसमें कि ये जो CCM जो मैकेनिज्म होता है इनके पास, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, ठीक है, एक्यूमुलेट्स, क्या एक्यूमुलेट करता है, इनऑर्गेनिक, जितना भी इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रांसपोर्ट और एक्यूमुलेट करेगा ये, ठीक है, एज किस में, HCO3 एंड CO2। अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी इसके पास अगर हाई CO2 रेट है, क्योंकि अगर वहाँ पे लो ऑक्सीजन है तो हाई CO2 जो रेट होगा वहाँ पे भी ये क्या करता है, हाई CO2 को कैन बी कन्वर्टेड टू शुगर, ठीक है, ये क्या कर देता है, उसको कन्वर्ट कर देता है शुगर में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी है ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं जितना भी CO2 इनऑर्गेनिक, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और CO2 को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में, ठीक है। इसी CCM मैकेनिज्म से वो क्या करते हैं, लो ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पिगमेंट्स थे हमारे वो कैसे होते हैं, क्लोरोफिले सी फाइकोसियानिन जो कि ब्लू होता है, और बीटा कैरेटीन, ठीक है, बाकी भी होते हैं वो फिर से आप देख लीजिएगा। दो डिस्टिंक्ट पिगमेंटेशन पैटर्न्स देखे गए हैं, फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है। दो फोटो सिस्टम्स देखे गए हैं, FES टाइप और क्यूनियन टाइप। CCM मैकेनिज्म से वो लो ऑक्सीजन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन। सियानोफाइसिस में कौन कौन सी रिप्रोडक्शन देखी जाती है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। अब क्या है, वेजिटेटिव में क्या होगा, बाइनरी फिजन, आपको भी पता है कि बाइनरी फिजन क्या होता है, छोटी क्लास से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन सबसे ज़्यादा देखी जाती है हमारी, मोस्ट कॉमन टाइप होता है हमारे सियानोफाइसिस में, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है बाइनरी फिजन। तो अगर एग्जाम में आए कि सबसे ज़्यादा कॉमनली क्या देखा जाता है उसमें, तो बाइनरी फिजन देखी जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट्स में ये सेपरेट होते हैं, ये फ्रेगमेंट्स इनके मतलब वही कट होते हैं और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं और वो अलग अलग अपना फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का वे है वेजिटेटिवली। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टर्म कि ये होता क्या है, ठीक है, हॉर्मो, HORMO गोनिया। हॉर्मोगोनिया क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइकोम है, ठीक है, जैसे ये नॉस्टॉक का पूरा क्या है हमारा, फिलामेंट है। अब आपको भी पता है इसके चारों तरफ क्या होती है, म्यूसिलेज की जो लेयर होती है, शीथ प्रेजेंट होती है स्लाइमी सी, ठीक है। अब ये क्या होता है नॉस्टॉक के अंदर, ये ट्राइकोम ना दो या तीन से हॉर्मोगोनिया फॉर्म, मतलब जो जैसे 2-3, जैसे ये बीच में से ही ब्रेक हो गया और ये तीन जो ऊपर थे वो अलग हो गए, मतलब शीथ के साथ ही, ठीक है, और ये वाला ट्राइकोम जो है वो अलग हो गया और ये फिर अपनी अपनी अलग अलग फिर से वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उसे बोलते हैं हॉर्मोगोनिया, ठीक है। ये सिर्फ किस में देखने को मिलती है, हमारी सियानोफाइसिस में देखने को मिलती है ये, और स्टीगो नीमा में देखा जाता है कि ये जो हॉर्मोगोनिया होता है ना वो एक स्पेशल ब्रांच भी बना लेता है, ठीक है। ये जो हॉर्मोगोनिया है जिनके चारों तरफ ये जो म्यूसिलेज की लेयर है और फिर वो टूट जाती है, ब्रेक्स इनटू 2-3 हॉर्मोगोनिया, अब ये फिर ना आपस में फिर ब्रांच भी बना लेते हैं। स्टीगोनीमा में देखा गया है कि आफ्टर ब्रेकेज
जो ये ट्राइकोम होता है, जो 2-3 होर्मोगोनिया में जब वो फॉर्म हो जाता है ऑन अ स्पेशल ब्रांच, कभी कभी वो किस पे फॉर्म होता है, एक स्पेशल ब्रांच पे फॉर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है, इनके अंदर जो मोटाइल होगा स्टिगोनीमा में, ये जो ब्रांचेज होती है मोटाइल होती है और पेरेंट से मूव अवे हो जाती हैं, पेरेंट से क्या हो जाती है, दे मूव अवे फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। स्टिगोनीमा में देखा गया है कि मोटाइल होंगे और पेरेंट से दूर चले जाते हैं और इनके हॉर्मोगोनिया जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसी स्पेशल ब्रांच पे, ठीक है। ये था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और भी होता है हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एक लास्ट चीज़ रह गई है वो मैं आपको यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टर्म्स हैं जिनको मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं एक्चुअली में, जैसे हॉर्मोगोनिया हो गया, और एक और कि हमारे हॉर्मोसाइट्स क्या होते हैं, हॉर्मोसाइट्स। अब ये हॉर्मोसाइट्स होते हैं, सियानोबैक्टीरिया ना एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, कैसा, मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे फिलामेंट्स चल रहे थे आराम से, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे, यहाँ पे, अचानक से एक मल्टी सा सेलुलर सा स्ट्रक्चर बना लिया उसने। स्ट्रक्चर्स हैविंग थिक एंड मैसिव शीथ, इसकी जो शीथ होगी वो कुछ ज़्यादा ही मोटी, ठीक है, थिक होगी और कैसी होगी, मैसिव होगी, कुछ ज़्यादा ही बड़ी। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो सियानोबैक्टीरियाज हैं, सियानोबैक्टीरिया प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर, याद रखिएगा ये कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर, प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर थिक एंड मैसिव, बहुत बड़ा शीथ सा बना लेगा, ठीक है। और उसके अंदर ये जो हैं बहुत सारे, मल्टी सेलुलर का मतलब क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, मल्टी सेलुलर सा स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर लिया, इसे ही बोलते हैं हम हॉर्मोसाइट्स, ठीक है, हॉर्मोसाइट्स इन सियानोबैक्टीरिया। तो जब भी कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर मिले कि थिक और मैसिव शीथ बना लेता है जो कि मल्टी सेलुलर होता है, वो क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं हॉर्मोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तो था वेजिटेटिव सेल से, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि इन्होंने एसेक्सुअली कैसे किया। तो एकाइनेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर में, फाउंड क्लोज टू हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के पास ही पाए जाते हैं, ठीक है, हेट्रोसिस्ट के पास ही होते हैं, फाउंड क्लोज टू दी हेट्रोसिस्ट, ठीक है, थिक लेयर फॉर्म्ड अराउंड देम, और थिक लेयर होती है इनके चारों तरफ, अराउंड देम। ये हो गया हमारा एकाइनेट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, ये था फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे, नैनोसाइट्स। नैनो मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, नैनोसाइट्स मतलब कि नॉन फिलामेंटस एल्गीज हैं, फिलामेंट्स नहीं होते इनके अंदर, दे आर नॉन फिलामेंटस एल्गे, रिपीटेड सेल डिवीजन इनके अंदर कैसी होती है, रिपीटेड सेल डिवीजन कॉज्ड बहुत ज़्यादा एक ही सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल नॉन फिलामेंटस एल्गी है तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये होगा, ऐसा होगा, और उसी के अंदर ना रिपीटेड सेल डिवीजन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, रिपीटेड रिपीटेड होती जा रही है, होती जा रही है, सेल डिवीजन एक ही में होती जा रही है। तो इसकी वजह से क्या कॉज हो जाता है, न्यूमरस सेल्स बन जाते हैं, न्यूमरस सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है, कॉज न्यूमरस मतलब बहुत सारे सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये क्या करेंगे, एक न्यू कॉलोनी सी बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉलोनी, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कॉलोनी। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नैनोसाइट्स किस में देखे गए हैं, माइक्रोसिस्टिस इसमें देखे गए हैं, ठीक है। तो माइक्रोसिस्टिस जो है ये इसका एग्जाम्पल है। तो माइक्रोसिस्टिस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक नॉन फिलामेंटस एल्गी है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस सेल्स होते हैं एक में ही, और ये हमारा माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे
इसके अंदर देखने को सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है, सियानोफाइसिस के यहाँ पे रिप्रोडक्शन हटा दीजिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सियानोफाइसिस के अंदर क्या होती है, और ऑल्सो स्पोर फॉर्मेशन भी देखी गई है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसी देखी गई है, स्पोर्स बनते हैं जब, तो स्पोर्स कैसे होंगे, एंडो स्पोर्स, एग्जोस्पोर्स, ठीक है। एंडोस्पोर्स जैसे कि किस किस में देखे जाएंगे, एग्जाम्पल बता देती हूँ, डर्मोकार्प और नॉस्टॉक में भी देखे गए हैं स्पोर्स, ठीक है। और एग्जोस्पोर किस में देखे गए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जिन जिन में सियानोफाइसिस स्पोर्स देखे गए हैं, ठीक है। अब इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सियानोफाइटाज हैं उनमें हमने अभी तक क्या देखा, हमने देख लिया कि कौन कौन से क्या थे, जिनके अंदर हमने फॉल्स ब्रांचिंग देखी, टॉलीपोथ्रिक्स और साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग देखी थी, उनका हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट हमने कवर नहीं किया तो वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के साथ साथ ऑल्सो हैबिटेट, कि सियानोफाइसिस का हैबिटेट कैसा है, कि वो साफ पानी में पाए जाते हैं या कैसे, ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे टेरेस्ट्रियल हैं उनके एग्जांपल बताइए। तो टेरेस्ट्रियल जो हमारे टेरेस्ट्रियल सियानोफाइसिस हैं उनमें आ जाते हैं नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल। अब है हमारा फ्रेश वाटर में क्या देखा जाता है, फ्रेश वाटर में और क्या क्या कौन कौन से सियानोफाइसिस देखे गए हैं, साइटोनिमा फ्रेश वाटर में, सॉरी हमारा राइव्यूलेरिया, ठीक है, और ऑसिलिटोरिया भी देखा गया है और नॉस्टॉक भी फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। अब मैरीन में देखते हैं, मरीन वाटर में इसके एग्जांपल्स हैं ट्राइकोडेस्मियम और डर्मोकार्प। अभी देखा हमने डर्मोकार्प में एंडोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हमारे सियानोफाइसिस के हैं, ठीक है। अब इनका हैबिटेट ये हो चुका, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। अब देखिए, अब इनमें कुछ रह गया हो जो कि बहुत बेसिक हो, तो वो रह गया है कि इनमें ये मतलब दूसरे, इनकी जो एसोसिएशन होती है, ठीक है, दूसरे जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो हम पहले एसोसिएशन देखते हैं प्लांट्स के साथ सियानोफाइसिस की, जो एग्ज़ाम में आती है, एसोसिएशन विद प्लांट्स। तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की जगह पे अभी देखेंगे हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी, बट सबसे पहले हमने यहाँ हैबिटेट कवर कर लिया और यहाँ पे एसोसिएशन, क्योंकि ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे और मुझे अभी याद आए। तो देखिए, जो सियानोफैक्टीरियाज जो होते हैं, जितने भी सियानोफाइसिस हैं, वो एंडोफाइट्स होते हैं। एंडो मतलब कि हमेशा प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, एक होते हैं जो बाहर मिलेंगे, ठीक है, एंडोफाइट्स जो कि अंदर मिलेंगे, जैसे कि एनेबेना जो होता है, अगर मैं उसका एग्जांपल लूँ तो ये कहाँ मिलता है, इन थैलेस, किसके थैलेस में, हमारे एंथोसिरोस के। अब एंथोसिरोस क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, एंथोसिरोस अगर आपको पता हो तो आपको अच्छे से पता है कि ये ब्रायोफाइट होता है, ठीक है। ये ब्रायोफाइट्स में अगर देखा जाए तो एनेबेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि एनेबेना किसके थैलेस में मिलता है, कैसी एसोसिएशन शो करता है, तो ब्रायोफाइट्स के थैलेस में होता है हमेशा, ठीक है। और क्या क्या देखा गया है, एनेबेना एक और जगह प्रेजेंट होता है, तो वो होता है इन लीव्स में, किसकी लीव्स में, लीव्स ऑफ एजोला जो कि एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, सॉरी। और क्या है, नॉस्टॉक हमने तो पीछे देख लिया था, वो साइकस की रूट्स में देखा गया था, इन साइकस रूट्स क्या करा रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है।
ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो ये जो सियानोफाइसिस है एक तरीके से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही हो गई कि इनके एंथोसिरोस में पाया जा रहा है, इनके ब्रायोफाइट्स के अंदर, थैलिस के अंदर है एंथोसिरोस के, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में कहाँ पे था, लीव्स में अजोला की, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स की साइकस रूट्स में, तो लीव्स, थैलिस, रूट्स हर जगह देखने को मिल रहा है। अब हम इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस खाली कर देती हूँ मैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है ये कि जो सियानोबैक्टीरियाज होते हैं वो कहाँ कहाँ, उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कैसे आती हैं। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि ये इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, ये इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे इरेज करने में। तो देखिए, सबसे पहला है वाटर ब्लूम। ये जो सियानोबैक्टीरियाज होते हैं ना वो वाटर ब्लूम कॉज करते हैं, ठीक है। वाटर ब्लूम कौन कौन कॉज करता है, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज वैसे इसको कॉज करने में हेल्प करते हैं देखा जाए तो, ठीक है। रीज़न होते हैं वाटर ब्लूम का, वो कौन कौन से, मैं सबका नाम लिख देती हूँ। जैसे कि माइक्रोसिस्टिस अभी हमने देखा, जिसके अंदर हमने नैनोसाइट्स की वाली रिप्रोडक्शन देखी थी, ठीक है। एनाबेना देखा, जिसने एंडोफिटिक बहुत सारी जगहों पर क्या किया है, एसोसिएटेड है ये टेरिडोफाइट्स के साथ भी, ब्रायोफाइट्स के साथ भी, ठीक है, ये भी वाटर ब्लूम कॉज करता है। माइक्रोसिस्टिस भी वाटर, ऑसिलेटोरिया भी करता है, ठीक है। और आर्थोस्पेरा जो स्पिरोलिना होता है हमारा, वो भी कॉज करता है। तो ये सारे के सारे वाटर ब्लूम के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सारे हैं वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। दूसरा इसका क्या है, जो आपने सी का जो रेड कलर होता है, ये हमेशा आता है रेड कलर, रेड जो कलर होता है ऑफ द रेड सी, किस वजह से होता है, उसको रेड सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक एल्गे होता है जो कि जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, एरिथ्रो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एरिथ्रियम, और एंड ऑल्सो एक और ऐसी की स्पीशीज, ट्राइकोडेस्मियम टी लिख दिया मैंने, और थिकॉटिक, ठीक है, थिकॉटिक और एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम थिकॉटिक, ये जो हैं रेड कलर ऑफ द रेड सी, जो रीज़न होता है रेड सी का, रेड कलर क्यों होता है रेड सी का, क्योंकि वो ये दोनों एल्गीज जो हैं ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम और ट्राइकोडेस्मियम थिकॉटिक वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यही रीज़न है, इन दोनों के प्रेजेंस का ही वो रीज़न है कि वो रेड कलर का हो जाता है पूरा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जैसे एजोला क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि जो साइकस था, एनाबेना और नॉस्टोक क्या होते हैं, एंडोफिटिक होते हैं, अभी देख लिया हमने एंथोसिरोस के अंदर जो कि एक ब्रायोफाइट्स था, ये सारे के सारे क्या थे, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस थे। ऑल्सो अभी जो हमने अजोला देखा था, जिसकी लीव्स के अंदर क्या था प्रेजेंट, हमारा एनाबेना प्रेजेंट था, एक और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कि जो जितनी भी राइस फील्ड्स होती हैं, ठीक है, तो राइस फील्ड्स को फर्टिलाइज करने के लिए ना, जो फर्टिलाइज्ड जितनी आर फर्टिलाइज्ड बाय, उनको फर्टिलाइज करने के लिए किसकी नीड पड़ती है हमें, वाटर फर्न की, जिसका नाम है अजोला, ठीक है। ये जो अजोला है, ठीक है, ये एक टेरिडोफाइट है, और ये जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, अगर देखा जाए, अगर एग्ज़ाम में आए तो सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट क्या होता है, अजोला होता है, और ये राइस फील्ड्स के अंदर उनको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, विच मल्टीप्लाई रैपिडली
एंड कंटेन्स ब्लू ग्रीन एल्गे एनाबेना फॉर फिक्सिंग एंड टू इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो राइस फील्ड्स के अंदर ये बहुत जल्दी फर्टिलाइज कराता है, जैसे जो राइस फील्ड्स होती है इन्हीं के द्वारा फर्टिलाइज होती हैं. कैसे? ये जो अज़ोला है बहुत जल्दी क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. इट मल्टीप्लाई रैपिडली. एंड इसके अंदर क्या कंटेन करता है, इट ऑल्सो कंटेन ब्लू ग्रीन एल्गे एनाबेना. ठीक है, और एनाबेना ये जो ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में N2 फिक्सेशन कराते हैं. ठीक है, तो ये N2 फिक्सेशन में भी हेल्प करता है. तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया कि ये उसके साथ रह भी रहा है और राइस फील्ड्स के अंदर फिर उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में भी हेल्प कर रहा है. तो ये थी इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स. अब जो हमारे ड्यू से रिलेटेड दो जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, नॉस्टॉ और हमारा वहाँ से साइटोनीमा, जो हमारा BHU का टॉपिक है, ये हमारा ड्यू में है और ये शायद ड्यू में भी है और ये दोनों के दोनों BHU के हैं. ठीक है, ये और ये, और ये हमारा ड्यू का. तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, फिर वहाँ हमारा CNFIC कंप्लीट हो जाएगा. मैं इस वीडियो में जितना भी मैंने कवर किया है प्लीज़ आप उसे अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं या फिर ड्यू के नोट्स पढ़े हैं उन सबसे मैंने ये चीज़ें कवर करके लिखी हैं. ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो मैं इतनी बार रही हूँ अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है. सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब ज़्यादातर MSc की ही कॉन्टीन्यूसली वीडियोस डालने वाली हूँ. ठीक है, क्योंकि 11th क्लास के जो अभी एग्ज़ाम्स हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं अभी MSc के लिए बोल रहे थे, तो मैं MSc की वीडियो ही कंटिन्यू करूँगी. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि उससे मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है. थैंक यू सो मच.